एबीपी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद आक्रोशित एबीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में पुतला फूंका। एबीपी की हमीरपुर इकाई ने पुतला फूंक कर जताया विरोध प्रदर्शन। करीब 40 कथित गुंडों ने कार्यालयों में घुसकर की थी तोड़फोड़। प्रभु श्री राम व स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को किया गया था क्षतिग्रस्त। बताया जाता है कि हमीरपुर के बस स्टैंड के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ उपाध्यक्ष एक अमित दहिया जी हैं, वो NSUI से छात्र संघ उपाध्यक्ष है। उन्होंने क्या किया कि NSUI के गुंडों ने आकर के छात्र संघ कार्यालय में, छात्र संघ में वहाँ पर हमारे विद्यार्थी परिषद जी के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, वहाँ पर जाकर के शराब के नशे में NSUI के गुंडों के द्वारा उस छात्र संघ कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ की गई। स्वामी विवेकानंद जी की जो वहाँ पर एक प्रतिमा लगी थी, एक चित्र लगा था, उसके साथ उसको क्षतिग्रस्त किया गया। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे पूरे देश के ही नहीं समूचे विश्व के युवाओं के आदर्श हैं, उनका अपमान ये विद्यार्थी परिषद बिल्कुल नहीं सहेगा। अभी तो विद्यार्थी परिषद ही नहीं, इस देश का, इस समग्र विश्व का कोई भी युवा।